तो क्या अब ये समय है कि इनमें बाइंग स्टार्ट कर दी जाए देखिए जैसे कि हम खुद देख रहे हैं कि एक पीएसयू में बहुत अच्छा करेक्शन आया है एंड फंडामेंटली तौर पे देखा जाए तो ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं बट But... स्पेसिफिकली सिर्फ आज के इस बेसिस पे कि न्यूज़ है एंड हमें ये स्टार्ट कर लेना चाहिए बाइंग ये सही तरीका नहीं हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फ्रेश बाइंग जब तक पच्चीस हज़ार का एक लेवल मैं निफ्टी में नहीं देखता तब तक हम फ्रेश बाइंग के लिए तो ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज कहीं पे भी ये एक सेल इन राइस का ही रेशियो है जैसे कि हम टेक्निकली समझ भी रहे हैं इसको बट हाँ ये जो है कि अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो दो से तीन साल चार साल के टाइम फ्रेम के लिए बनाना है तो एटलीस्ट वो अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकता है इन अ इंस्टॉलमेंट बेसिस जैसा कि हम खुद पोर्टफोलियो अगर किसी का तैयार करना होता तो हम भी ये सजेस्ट करते कि आप अपने पोर्टफोलियो को इंस्टॉलमेंट में बनाइए तो आज अगर किसी को बनाना शुरू करना है तो वो डेफिनेटली रेलवे स्टॉक्स के ये स्टॉक्स को कैरी कर सकता है अपने पास एंड बीस से पच्चीस परसेंट की बाइंग कर सकता है बट फॉर द फ्रेश बाइंग आई एम सी बट अगर किसी के पास ये होल्ड है तो मैं एवरेजिंग की तो डेफिनेटली सलाह नहीं दूंगा एंड आज के लिए अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो उसके लिए भी सजेस्टेड करेंगे